अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल देसी परदेसी रेसिपी। आज हम स्टीम रोस्ट बनाएंगे। स्टीम रोस्ट बनाने के लिए जी मेरे पास 2 किलो चिकन है, तो आए भी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 चम्मच हम पीसी हुई सब्ज मिर्च डालेंगे। 2 चम्मच मैंने पीसी हुई सब्ज मिर्च डाली है। अभी हम 2 चम्मच इसमें अदरक थोम का पेस्ट डालेंगे। दो चम्मच अदरक और थोम का पेस्ट डाल दिया मैंने। अभी इसमें 1/8 कप हम चिली सॉस डालेंगे। सोया सॉस डालेंगे। अब इसमें 1/8 कप हम सिरका डालेंगे, विनेगर। अभी लेमन जूस डालेंगे 1/8 कप। अभी हम इसमें मसाले डालेंगे। ये मेरे पास 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर है, 1 चम्मच पीसा धनिया है, ये मेरे पास 1 चम्मच पीसी मिर्च है, 1.5 चम्मच मेरे पास नमक है, 1 चम्मच मिक्स गरम मसाला है, 1 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच काली मिर्च है, 1 चम्मच मेरे पास तंदूरी मसाला है, और ये थोड़ा सा मेरे पास जर्दा कलर है। तो ये मसाले हम इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास थोड़ा सा दही पड़ा हुआ, हाफ कप से कम है, तो ये मैं दही डाल दूंगी इसमें। ये हम इसको मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैंड मैंने वॉश कर लिए। इसको मिक्स करके 1-2 घंटे के लिए रखेंगे, फिर इसको स्टीम करेंगे। इसमें मैं 3-4 चम्मच ऑयल डालूंगी। 3-4 चम्मच ये मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। 4 चम्मच डाला है, 4 चम्मच के करीब है। इसको हम मिक्स कर देंगे। और 1 टेबल स्पून हमने ऑयल डाल दिया इसमें। अभी हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखते हैं, फिर इसको हम स्टीम करेंगे। ये चिकन को 2 घंटे हो गया, हमने मसाले लगा के रखा हुआ था, अभी हम इसको स्टीम करेंगे। ये देख के मैंने पानी डाल के रखा है। इसमें मैं 2 इलायचियां डालूंगी। इसके अंदर मैं ये जाली छानी रख दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Thank you.
चूल्हा मैंने ऑन कर दिया। ये जो मसाला बच गया हम ये भी नीचे ऊपर लगा देंगे। अभी इसके ऊपर ढकना लगाते हैं, इसको तकरीबन आधा पौना घंटा पकने देंगे। अभी चूल्हा फुल है, थोड़ी देर बाद मैं इसको दरमियानी आंच में कर लूँगी। ये हमारा स्टीम तैयार है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। ये हमारा स्टीम तैयार है, आप भी बनाएं खाएं, हमें दुआओं में याद रखें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।